हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू टेन कैफे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यदि देखा जाए, जैसा मैं पी ब्लॉक का वीडियोस बना रहा हूँ, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जनरली केमिकल इक्वेशंस से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं और केमिकल इक्वेशंस को कोई भी स्टूडेंट्स कितना भी मेमोराइज क्यों ना करें, परसेंटेज स्टूडेंट्स उसे भूल जाते हैं। तो आज मैं केमिकल इक्वेशंस को सॉल्व करने का एक ट्रिक, जिसके हेल्प से आप अ नंबर ऑफ केमिकल इक्वेशंस जिनमें आपको यदि रिएक्टेंट मालूम है तो प्रोडक्ट बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं। तो मैं केमिकल रिएक्शंस को चार कैटेगरी में बांटा हूं। केमिकल इक्वेशन आप कह सकते हो ये चार कैटेगरी में है। ये चारों कैटेगरी यदि ध्यान से समझ में आपको आ जाए तो समझ जाइए कि इनऑर्गेनिक में इक्वेशंस का प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो गया। वो चाहे एस ब्लॉक हो, चाहे पी ब्लॉक हो, चाहे डी ब्लॉक हो, इसी में आपको इक्वेशंस का प्रॉब्लम नहीं होगा, इवन हाइड्रोजन आल्सो। तो है क्या, मेरा पहला इक्वेशंस है आयनिक इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन है मेरा वाटर एडिशन इक्वेशन, यानी यहां पर मैं कहीं ना कहीं वाटर ऐड करूंगा, और तीसरा हमारा है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और नेक्स्ट हमारा है कोऑर्डिनेशन ऑफ कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन। तो जैसे सीक्वेंस में मैं लिखा हूं, नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री एंड नंबर फोर, इसी सीक्वेंस में मैं करवाऊंगा भी, क्योंकि हर एक इक्वेशन एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। तो सबसे पहले मैं लेता हूं आयनिक इक्वेशंस। आयनिक इक्वेशन क्या है, उसमें यदि हमें रिएक्टेंट मालूम है तो प्रोडक्ट हम कैसे निकालेंगे, उन सारे चीजों पर ट्रिक है। और तो यहां पर आपको बैलेंसिंग भी नहीं करना होगा, क्योंकि उस ट्रिक में आपका इक्वेशन बैलेंस भी हो जाता है। तो लेता हूं सबसे सिंपल आयनिक इक्वेशन। तो जैसा नाम है हमारा आयनिक इक्वेशन, रिएक्टेंट मस्ट बी आयनिक। तो मैं एक आयनिक ले रहा हूं, जैसे सपोज मेरे पास है NaOH और इसको मैं HCl से रिएक्शन करवा रहा हूं। इसका यदि ट्रिक मैं देख लूं तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसे आयंस में ब्रेक कर दूंगा। तो यहां पर बन रहा है Na प्लस और यहां पर हो रही है OH माइनस, यहां पर हो रहा है H प्लस, यहां पर हो रहा है Cl माइनस। अब क्या करूंगा, अपोजिट आयंस को एक दूसरे के पास भेजूंगा। तो Na और Cl को यदि इकट्ठा दिखा तो हो गया NaCl, और OH और H प्लस मिलकर ये फॉर्मेशन करता है वाटर का, प्रोडक्ट बन गया। लेकिन सारा इतना इजी नहीं होगा, मैं कुछ और ले रहा हूं। सपोज मैं NaOH के साथ HNO3 का रिएक्शन कराया, सेम जैसे मैं ऊपर वाले किया था Na प्लस OH माइनस H प्लस एंड NO3 माइनस, अपोजिट आयंस को ले लिया, तो ये हो गया आपका NaNO3 सोडियम नाइट्रेट, और ये दोनों मिलकर आपका बना लिया वाटर। और एग्जांपल मैं ले रहा हूं, सपोज मेरे पास NaOH के साथ रिएक्शन करना है H2SO4 का। अब हाइड्रोजन का मैं बेसिसिटी देख रहा हूं दो है,
बिकॉज टू रिप्लेसेबल हाइड्रोजन। और ये जरूरी नहीं है कि दोनों हाइड्रोजन एक ही साथ हो छोड़े, में भी हो सकता एक हाइड्रोजन छोड़े Na प्लस OH माइनस H प्लस HSO4 माइनस। एंड इफ आई पुट अपोजिटली चार्ज आयंस इस फॉर्म सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट अलोंग विथ फॉर्मेशन ऑफ वाटर। अब एक हाइड्रोजन तो नॉर्मल टेम्परेचर पे निकल जाएगा, लेकिन यदि दोनों हाइड्रोजन मुझे निकालना है तो उस कंडीशन में मुझे हीट करना पड़ेगा। देखिए मैं दूसरा इसका केस ले रहा हूँ हीट वाला, Na प्लस OH माइनस। जब हीट करूँगा तो यह दोनों रिप्लेसेबल हाइड्रोजन लीव करेगा 2H प्लस SO4 2 माइनस। अब मैं आयंस को केयरफुली वॉच कर रहा हूँ, Na के पास एक प्लस है, SO4 के पास दो माइनस है। इसको काउंटर बैलेंस करने के लिए मुझे 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और फिर जब मैं इसके पास लेके जाऊंगा तो देखूंगा कि Na 2 है लेकिन SO4 एक है, और ये 2OH और 2H+ ये मिलाकर 2 वाटर मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करता है। तो जस्ट आयंस में ब्रेक करना है और अपोजिटली चार्ज आयंस को एक दूसरे के पास रख देना है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया। सपोज आई टेक अ ट्राई बेसिक एसिड लाइक NaOH एंड एसिड इज H3PO4। सो आई सी हियर थ्री रिप्लेसेबल हाइड्रोजन इन H3PO4, शो दे सॉ रिएक्शंस इन थ्री डिफरेंट वेज डिपेंडिंग ऑन टेम्परेचर। लाइक ऑन नॉर्मल टेम्परेचर Na प्लस OH माइनस इट गिव्स ओनली H प्लस एंड H2PO4 माइनस। इफ आई पुट अपोजिटली चार्ज आयंस टू अपोजिटली इट फॉर्म्स Na H2PO4 along with formation of water, because OH minus and H plus always forms water. In second case, suppose two replaceable hydrogen replaces like NaOH plus H3PO4. In second case, Na plus OH minus 2H plus. If 2H plus releases, then क्या बच रहा HPO4, 2H plus अभी निकल गया तो इसके पास 2 minus। फिर वही पुराना problem, 2 minus, but we have a single plus, to making equal number of cations, we must need to multiply with 2, and if I put here, then what I see? Na plus 2, so I mention Na 2 and then HPO 4 and 2OH minus 2H plus forms 2 molecules of water. In third case, suppose all the 3 replaceable hydrogen replaces NaOH plus H3PO4, Na plus OH minus is form 3H plus, जब 3H plus release हुआ तो बच गया PO4 3 minus। अब क्या देख रहे हैं Na के पास एक plus है लेकिन यहाँ पर 3 minus है, तो counter balance करने के लिए क्या करना पड़ेगा 3 से multiply। और जब इसको इसके पास रखेंगे तो देख रहे हैं Na कितना है 3, Na 3 PO4 and 3 molecules of water। तो एक replaceable hydrogen भी replace हो सकता है, दो भी replace हो सकता है और तीन भी replace हो सकता है, यानी जितना उसके पास replaceable hydrogen है that depend on temperature। temperature आप increase करिए, replaceable hydrogen का number increase करिए, cations and ions में break करिए,
अपोजिट आयंस को अपोजिट के पास ले जाइए और कंपाउंड का फॉर्मेशन कर दीजिए। नाउ इन नेक्स्ट एग्जांपल मैं एक डाई एसिडिक बेस ले रहा हूं। डाई एसिडिक बेस सपोज आई हैव कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो यहां भी मुझे वही काम करना है जो मैं बार बार कर रहा हूं, कैटाइंस में तोड़ा, एनायंस में तोड़ा, एच प्लस एंड सीएल माइनस। अब मैं क्या देख रहा हूं, मेरे पास कैटाइंस के पास दो यूनिट पॉजिटिव चार्ज है लेकिन यहां पर एनायंस के पास एक यूनिट नेगेटिव चार्ज है, तो चार्ज का नंबर बैलेंस करना होगा। इस नंबर को बैलेंस करने के लिए मेरे पास एक ही तरीका है, वो है मल्टीप्लिकेशन, टू से मल्टीप्लाई किया। अब जब मैं अपोजिट को अपोजिट के पास रखा तो देख रहा हूं सी ए एक है लेकिन सी एल कितना है, दो है, और ए हो गया आपका टू वाटर मॉलिक्यूल्स। अब इसी के साथ मैं यदि H2SO4 को रखा CaOH twice H2SO4, तो मैं क्या देख रहा हूं Ca प्लस प्लस एंड 2OH माइनस, एट नॉर्मल टेम्परेचर सिर्फ एक H प्लस रिलीज करेगा HSO4 माइनस, और यहां पर दो प्लस है तो उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए दो माइनस भी चाहिए, और तरीका एक ही है मल्टीप्लिकेशन का। और जब इसको इसके पास ले गया तो CA तो एक है बट HSO4 दो है, तो HSO4 ट्वाइस एंड दीज टू मेक्स टू मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। इन सेकेंड केस इट मे ऑल्सो पॉसिबल दैट H2SO4 रिप्लेसेस ऑल द रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम, H2SO4 replaces all the replaceable hydrogen. फिर से एक बार इक्वेशन लिख रहा हूं CaOH twice H2SO4, फिर मैं ट्रिक में Ca प्लस प्लस 2OH माइनस, यहां पर 2H प्लस एंड SO4 2 माइनस। अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 प्लस 2 माइनस दोनों को एक दूसरे के पास ले जाए तो बना CaSO4 एंड दीज टू फॉर्म्स टू मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। इन नेक्स्ट एग्जाम्पल विथ डाई एसिडिक बेस आई एम टेकिंग अ ट्राई बेसिक एसिड। आवर नेक्स्ट इक्वेशन इज वाटर एडिशन इक्वेशन। तो वाटर एडिशन इक्वेशन हम लोग वहां यूज करते हैं, सपोज रिएक्टेंट में कोई एक मेंबर ऑक्साइड हो, सपोज हमारे पास है CaO एंड इट रिएक्ट विथ HCl, इन दैट केस वी मस्ट नीड टू एड वाटर मॉलिक्यूल्स इन ऑक्साइड्स। तो मैं यहां पर यदि वाटर एड किया तो ए बना लेगा CaOH ट्वाइस, अब फिर मैं इसको आयंस में ब्रेक करूंगा, ये होता है सी ए प्लस प्लस एंड टू ओ एच माइनस, इसको मैं ब्रेक किया एच प्लस एंड सी एल माइनस। तो मैं ध्यान से देख रहा हूं कि मेरे पास दो प्लस है लेकिन इधर एक माइनस है, तो उसके लिए मुझे टू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और जब इसको इसके पास ले गया तो इस फॉर्म सी ए सी एल टू प्लस, देख रहे हैं दो वाटर मॉलिक्यूल्स बन रहा है लेकिन एक वाटर मॉलिक्यूल्स मैं ऐड किया हूं तो एक वाटर मॉलिक्यूल्स मुझे हटाना पड़ेगा और एक ही लिखना पड़ेगा। ए ऑक्साइड मेटल का भी हो सकता है, नॉन मेटल का भी ऑक्साइड हो सकता है। सपोज मेरे पास NaOH है, इसका रिएक्शन मैंने किया SO3 से, इन दैट केस वी नीड टू एड वाटर, तो वाटर एड कर रहा हूं ऑक्साइड में H2S और O हो गया आपका 4। अब फर्दर मैं इसको क्या करूंगा, आयंस में ब्रेक करूंगा,
तो आप एक H प्लस भी रिलीज कर सकते हो, दो H प्लस भी। मैं यहाँ पर दोनों H प्लस रिलीज कर रहा हूँ एंड फॉर्म्स SO4 माइनस 2 माइनस Na प्लस एंड OH माइनस। अब देख रहा हूँ दो माइनस है तो दो प्लस करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई करने पर जब अपोजिट के पास ले गया तो इस फॉर्म्स Na ट्वाइस SO4 एंड दीज टू OH एंड H forms two molecules of water. We added one molecules, so remove one molecule and write another molecules. In the same way, we can convert any non-metallic oxide into acid and metallic oxide into base. आगे के questions के लिए चाहे वो oxidation हो, ऑक्सीडेशन रिडक्शन और वाटर एडिशन का और सारे क्वेश्चंस के लिए मैं दूसरा वीडियोस बनाऊंगा। आप लोग कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें। आपका एवरी कमेंट, लाइक एंड शेयर मेरे लिए स्टेमिना का वर्क करता है, जिससे हमारी स्टेमिना और बूस्ट हो जाती है। ओके, बाय, बेस्ट ऑफ लक।